नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 मौतें हो चुके हैं, वहीं 1350 नए कोरोना संक्रमित रोगी सामने आए हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 242 रोगी जयपुर में सामने आए हैं, वहीं कोटा में 139, उदयपुर में 123, जोधपुर में 114, डूंगरपुर में 100, अजमेर में 90, चित्तौड़गढ़ में 91, राजसमंद में 85 नए रोगी सामने आए हैं। प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर जिलों सहित अन्य जिलों में गर्म हवाओं के चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर जिले के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में SI नरेंद्र सिंह द्वारा उम्मीद चौक स्थित अपने निवास पर आत्महत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि डिप्रेशन के चलते पुलिस लाइन परिसर क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अफरा तफरी में परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या में डिप्रेशन और तनाव की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, वहीं सुसाइड नोट की भी तलाश की जा रही है। वहीं नरेंद्र शर्मा द्वारा 1 साल से चिकित्सकों द्वारा इलाज करवाने की भी जानकारी मिली है। उनकी पिछले 1 साल से दवाइयाँ चल रही थी। राजस्थान पुलिस के ACB में उदयपुर में DIG के पद पर तैनात कैलाश चंद्र बिश्नोई की फर्जी FBID बनाकर लोगों से चैटिंग करने का मामला सामने आया है। जब DIG बिश्नोई को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है। DIG कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से फेक अकाउंट बनाया गया था, जिसके माध्यम से हैकर उनके परिचित व्यक्तियों से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत कर रहा था। इस दौरान हैकर द्वारा कुछ लोगों से अनर्गल बातचीत भी की गई। उनके परिचितों को शक हुआ और उन्होंने बिश्नोई को फोन कर इस बारे में जानकारी दी, तब जाकर फेक ID का खुलासा हुआ। अजमेर में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस साल का अजमेर में कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर KK सोनी ने बताया कि एक दिन में कोरोना के 90 नए मरीज सामने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना रोगी मिलने से चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया। वहीं प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत बड़ी कार्रवाई, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर अजमेर के मुख्य बाजार में 8 दुकानों को सीज कर दिया। जिला प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इन दुकानों को सीज किया है। भीलवाड़ा जिले की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने हत्या और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। 71 साल के रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों का ऐलान देरी से हुआ है। बीते ही हफ्ते राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी घोषणा हुई थी। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा की दुनिया की प्रतिष्ठित सम्मान है। बता दें कि रजनीकांत ने कंडक्टर और कुली का भी काम किया है। PM श्री मोदी ने रजनीकांत को शुभकामनाएं दी हैं। झालावाड़ सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट की ठगी के मामले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नोटों को दोगुना करने के लालच में लोगों को चूना लगाते थे। सभी आरोपी झालावाड़ के मल मोहल्ले के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30,000 रुपये की नकद के साथ 2 बाइकों को बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले की पनरवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिता की हत्या करने वाले पुत्र और उसके सालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पिता की हत्या के आरोप में पनरवा निवासी लोकेश और भूरीलाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़मेर क्रूड ऑयल से चोरी के मामले में 57,30,000 रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। बता दें कि क्रूड ऑयल चोरी का आरोप भूत सिंह राजपुरोहित व अन्य पर था। प्रवर्तन निदेशालय ने 20 बिघा कृषि भूमि, 2 भूखंड एवं 1 आवासीय संपत्ति को प्रोविजनल अटैच किया है। मामले में राजस्थान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 4 प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों में केयर्न इंडिया टैंकर्स से कच्चे तेल की चोरी का आरोप था। ED ने यह कार्रवाई PMLA कानून के तहत की।
डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के धमलात फला गांव में थ्रेसिंग मशीन में फंसने से युवक की मौत हो गई। वह मशीन से गेहूं की फसल की थ्रेसिंग कर रहा था। मशीन में हाथ आने से वह खींचा चला गया और उसका चेहरा और गर्दन फंसकर बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धमलात फला गांव में अमृत अपने भाई और परिवार के साथ थ्रेसिंग कर रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। यह सारी घटना एक मिनट में ही हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.